हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम इस वीडियो में 8 अगस्त के एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम यहां सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इस सूची में भारत चौथे स्थान पे है, तो इसमें आंसर डी सही है। यहाँ पर यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका मार्केट कैपिटल 1 बिलियन से ज़्यादा का होता है। आप इस सूची में देख सकते हैं कि पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे यूके और चौथे स्थान पे भारत है। और भारत की 21 कंपनियाँ हैं जो यूनिकॉर्न हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएसए की 233 और चाइना की 227 कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी बेरूत में किस केमिकल से धमाका हुआ है? ऑप्शंस हैं टीएनटी, अमोनियम नाइट्रेट, मरकरी फलमेट और अमोनियम सल्फेट। तो इसमें ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट सही आंसर है। अमोनियम नाइट्रेट खाद के रूप में यूज़ होता है और ये विस्फोटक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में लेबनान की राजधानी बेरूत के पोर्ट पर था जिसमें ये विस्फोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? ऑप्शंस हैं सौरभ गांगुली, रिकी पोंटिंग, इयान बोथम और कुमार संगकारा। इयान बोथम को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है, तो इसमें ऑप्शन सी इयान बोथम सही आंसर है। इयान बोथम इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर और पूर्व कैप्टन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी या धर्मेंद्र प्रधान। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल को लॉन्च किया है, तो इसमें ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर सही है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री हैं। इस चैनल से किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के चेयरमैन के रूप में किसे विस्तार मिला है? ऑप्शंस हैं अजय त्यागी, विकास सिंह, रवि कपूर और मिलिंद नायक। तो अजय त्यागी को अपने पद पर 18 महीने का विस्तार मिला है, तो इसमें ऑप्शन ए अजय त्यागी सही है। इन्हें 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। अब कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने 1 सितंबर 2020 से इनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं अनिल बैजल, मनोज सिन्हा, आर के माथुर और गिरीश चंद्र मुर्मू। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी मनोज सिन्हा सही हैं। मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। और ऑप्शंस की बात करें तो राधा कृष्णन माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल और अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन बने हैं? इसमें ऑप्शंस हैं चार्ल्स क्यू ब्राउन, डेविड एल गोल्फिन, माइक पोम्पियो, माइक पेन। तो चार्ल्स क्यू ब्राउन अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख बने हैं, तो इसमें ऑप्शन ए चार्ल्स क्यू ब्राउन सही आंसर है। चार्ल्स क्यू ब्राउन डेविड गोल्फिन की जगह लेंगे। इसमें ऑप्शन सी माइक पोम्पियो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी हैं।
और ऑप्शन डी माइक पेंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में बंगस आवाम मेला मनाया गया है। इसमें ऑप्शंस हैं जयपुर, भिंड, हंदवाड़ा और जम्मू। हंदवाड़ा शहर में स्थानीय लोगों ने 2 दिवसीय उत्सव बंगस आवाम मेला मनाया है, तो इसमें ऑप्शन सी हंदवाड़ा सही आंसर है। इसका आयोजन करके अनुच्छेद 370 के हटने का पहला साल मनाया है। इसका आयोजन 3 अगस्त से 4 अगस्त तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शंस हैं रसिया, ब्रिटेन, यूएसए, मलेशिया। मलेशिया में वुमेन वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी मलेशिया सही आंसर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, वहाँ की मुद्रा मलेशियाई रिंगिट है और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोहिद्दीन यासीन हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं कविता सिंह, सृष्टि केशव, कलीपुरी, अंजना माथुर। तो कलीपुरी को 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसमें ऑप्शन सी कलीपुरी सही आंसर है। कलीपुरी इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन हैं। इस बार इस अवार्ड का 9वां एडिशन था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।